वेलकम टू लाइफ का रिचार्ज। स्टडी बुक को कम और फेसबुक को ज्यादा पढ़ने वाले, बॉस के इंस्ट्रक्शन को कम लेकिन ट्विटर पे सेलिब्रिटी को ज्यादा फॉलो करने वाले, मंदिर को कम और सोशल साइट को ज्यादा विजिट करने वाले का हार्दिक, नहीं हार्दिक नहीं बोलूंगा, हार्दिक ऑलरेडी चर्चा में है, सिर्फ स्वागत है, वेलकम टू लाइफ का रिचार्ज। यार सोशल मीडिया का लोगों पे इतना बुखार चढ़ा हुआ है, इतना बुखार चढ़ा हुआ है, क्या बताऊं। अभी एक बहन जी मार्केट में सब्जी लेने गई, सब्जी वाले ने पूछा, बहन जी धनिया कितना ग्राम दूं? तो लड़की ने बोला, इंस्टाग्राम थोड़ा सा। भैया जी बेचारे अभी तक कोमा में पड़े हैं। वैसे आजकल टाइम पास करने के अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं, ये देखिए, आप ढंग से देखेंगे तो पता चलेगा ये एडिटेड फोटो नहीं है, ये ओरिजिनल फोटो है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। यहाँ पर लोग सेल्फी खींचने के लिए तड़प रहे हैं, ये किसी और के साथ सेल्फी खींच रही है, पीछे वाला भी एक्सप्रेशन दे रहा है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ये देख रहा है मैरी क्यू सेल्फी ले रहा है। तू मेरे साथ तू ही तो। आजा आजा पिंटिया, आ इधर 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 इधर, बहुत बढ़िया। अच्छा वो जाकर भैंस नहला देना और गाड़ी भी अपने सही जगह पर रख देना, चलो हम जल्दी आते हैं, ठीक है? चलो ओके। हाँ अरे ओ भाई साहब, चलो भाई क्या ये? अरे हमारा शो चल, क्या कर रहे हो? कहाँ किधर? ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हेलो भाई साहब। अरे रुकना है यार दो मिनट। अरे ओ गरीबों के हनी सिंह, डुप्लीकेट हनी सिंह कहीं के, यहाँ क्यों आया है? अबे अक्षय कुमार की 8वीं जेरोक्स कॉपी मुझे कहता है डुप्लीकेट वर्जन, कान के नीचे दूंगा खींच के, हो जाएंगे तुझे लूज मोशन। बात करता है, एक बात बता, आज तेरे को ये लाइनें किसने दी है? भाई लाइन ही नहीं, मैं अपडेट भी हो गया हूँ, मैं 2G से ना 4G हो गया हूँ। इसका मतलब वो तू और पकाएगा? पकाएगा? मम्मी के पापा को कहते हैं नाना, तेरा काम है सबको उल्लू बनाना, खोल दिया मैंने तेरी पोल और तेरे लिए करूंगा प्रॉब्लम्स डाउनलोड। या तेरे जैसे हनी सिंह ना मार्केट में और भी आ गए, ये देख। हमें बोले चौकी वाले स्टार, मीम टैगर्स वालों को ना ऐसे तू नहीं हार, टेढ़े मेढ़े बंदे हमें देसी कलाकार, इंडियन आए बात दोस्त, फस गए हैं रूल ऑफ सरकारी में जी नाम उनका, आ गया मर्डर की मारा मारी में, हाँ सोचा था कि गाने अब टेढ़े नहीं गाऊंगा बट कुछ नहीं फर्क, पुलिस और भिखारी में हाँ कितनी कुड़ियां कॉलेज बिच, हम पे दीवानी थी बस अनिल योंदी पेन एंड रूत मस्तानी थी, जिनका फ्यूचर दिखता था देसी वाली नारी में, बस वही मुंडा घूमते पांडवों की गाड़ी में, हाँ दुनिया की नजरों में हम आज हत्यारी हैं, कोई ना दे साथ कानून हम पे भारी है, जितना था दम घर वालों ने दिखा दिया, रोने का क्या फायदा, गलती हमारी है, देश जाए भाड़ में और जनता की आड़ में, देश के सरकारी अफसर पैसों पर आभारी है, जिसने बनाया इस दुनिया में इंसान क्या वो नहीं जानते, हम कितने भ्रष्टाचारी है, देश के गद्दार तुम बहुत ही पछताओगे, वो दिन अब दूर नहीं तुम चल नहीं पाओगे, 18 महीने का पेट फुला के घूमते हो वहां तुम क्या दिखाओगे। देखा तूने भाई, मैं ना हेलमेट पहनने जा रहा हूँ, हेलमेट। हेलमेट क्यों? तेरे जोक्स ना बहुत लगते हैं, कहीं मर ना जाऊं मैं, मर भी सकता हूं ना। डूब जा, इतने गंदे गंदे रैप लिखता है। बोला नहीं, मेरा फोन आ रहा है, चुप रहना। हेलो, यस 4G स्पीकिंग। अबे नेटवर्क नहीं, नाम है मेरा, नाम 4G, समझा? ओके ओके, लेफ्ट लो राइट लो, वहां रहो खड़े, आता हूं तुम्हारे लिए लेके पाओ अड़े। ये डेढ़ आंख, भाई इसके कान में बहुत कीड़ा है। तूने बीमारी सही बताई है लेकिन जगह गलत बता रहा है। नहीं वो टीवी पर बता नहीं सकता ना, इसलिए कान बोला। क्या
क्या बात है भाई, आज तो क्या बात है, नए कपड़े डाल के आया है। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। किस लिए? हाँ यार, किस लेने की मैंने बहुत कोशिश की, पर वो सैलू भाई मानी नहीं, झाड़ू से पीट दिया मुझे। तुझे कुछ नहीं पीटा है, पीटा तो इसको, ये देख। लेडीज गैंग। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। ये देख और भी है। सही बोला तू, संभलना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। अभी देखना यार, एक बात बुरी है। हाँ? ये चार दिन से स्टेटस डाला हुआ फेसबुक पर। अच्छा, खाज खाया कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। अरे वो सैलू है ना। हाँ? वो एक पिक डालती है तो भाई पता है क्या है, पान वाले से लेकर दूध वाले के, चाचा के, मामा की, ताया की, बुआ के, लड़के का, छोटा सा बच्चा तक लाइक करते है। तो समझा नहीं यार। अरे लाइक करने के लिए शक्ल भी वैसी होनी चाहिए, ये शक्ल पे कोई लाइक नहीं आएगा। ऐसे ठीक है। अरे तू मेरी शक्ल छोड़, तू ये बता लोगों को सोशल मीडिया पर आजकल क्या चल रहा है। सब जगह एक ही चीज चल रही है। नहीं, उसका नाम मत लेना मेरे सामने, उस डियोड्रेंट का नाम सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। अरे लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। अभी तो सिर्फ दो ही चीजें चल रही है। क्या? एक बिना गैस का डियो, दूसरा योगा वाले बाबा के प्रोडक्ट। भाई देखो, बाबा ने साबित कर दिया है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए जरूरी नहीं फीमेल मॉडल्स दिखाना। धोती पहनकर खड़ा टॉपलेस मर्द भी 2,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकता है। बाबा को खुश हो रहे हैं, वो थोड़ी डालते हैं। इस अवार्ड को कोई चूमेगा नहीं। MacBaba.com ओल्ड योगी फ्रॉम। भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में कब आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। तू क्या वेट कर रहा है, इसका तो आधा हिंदुस्तान वेट कर रहा है। अरे यार बाकी सब छोड़, ये उधर सामान पड़ा है सजावट का, वो किस लिए है? ओए मेरे लिए आया शिलाजीत खाके। ये क्या, सिर पे नूडल को लटकाए हुए हैं? और मासी तुम्हें क्या हुआ है? अरे का बताओ बेटा, जब से तुम्हारे मौसा को पीएलएक्स में बेचा है, बड़ा पैसा आ गया, अब उसको कहीं ना कहीं तो खर्च करना पड़ता है, तो अपने ऊपर खर्च कर लिया। और आज के बाद कोई मुझे मौसी नहीं कहेगा, कमोल का बुलाएंगे। और विकल्पू, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं कमू। ये उड़ता तीर मेरी तरफ क्यों चला रही हो मौसी? हाँ ठीक है ठीक है भाई, लेकिन ये ड्रेस तुम्हारा चेंज हुआ है, तुम्हारा कैरेक्टर वही है मौसी। और वैसे भी कौवी को महंगी साड़ी पहना दो तो वो मोरनी नहीं बन जाती। ये मत भूल, यहाँ सबसे ज्यादा टैलेंटेड मैं हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। चाचा क्या कर रहे हो? वे सब अपना दिखा रहे हैं तो मैं सोचा मैं भी अपना दिखा दूं। अरे मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ बे। इसके पास जो है वो ही तो दिखाएगा। अरे यार तुम लोग अपने आप को टैलेंटेड समझते हो, लेकिन असली टैलेंटेड तो ये लोग हैं। ये देखो, उधर देखो, तुम मत देखो। Thank you.
ये हेलमेट लगा के क्यों घूम रहे हो? हटाओ इस हेलमेट को, हटाओ। चाचा ये जोकर बन के क्यों घूम रहे हो? जोकर किसको बोला बे? मीठी ऐसी लात मारूंगा कि जिंदगी भर के लिए ऑफलाइन हो जाएगा। बुजुर्ग आदमी को कैसे इज्जत देते हैं नहीं पता। चाचा होटल में जाके एक्स्ट्रा रोटी मांगते हो, वेटर वो नहीं देता, हम तुम्हें इज्जत दें। चलते फिरते ऑर्केस्ट्रा की टूटी हुई शहनाई, मारा क्यों? अरे सब बिना वजह के पंच मार रहे होते तो मैंने सोचा एक मैं भी मार दूं पंच। जलेबी चुंडे वाली औरत, अपना औरत होने का फायदा मत ले। और वैसे भी मेरा फायदा सिर्फ एक ही औरत ले सकती है, मेरी सल्लू भाई। क्या बात है, मेरी इतनी धमाकेदार एंट्री हुई और ये चाचा ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। ये वल्गर वेबसाइट अचानक से धार्मिक चैनल वाले रिएक्शंस क्यों दे रहे हैं? चाचा अपना कैरेक्टर भूल गए क्या? अरे नहीं, मेरा कैरेक्टर आज से चेंज है। दुनिया की हर औरत मेरे लिए माँ समान है। अरे चाचा हमारा दिमाग की माँ बहन मत करो, मुद्दे पर आओ। मुद्दा ये बेटे, ओए आज मेरी शादी है। अरे चाचे वो तुम शादी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। अरे आज मेरी शादी है और सबके लिए ओपन इनविटेशन है, खूब डांस करो। और मैंने तो डांस टीचर भी रख लिया है। अच्छा ये देखो, इसे देखकर एक टीवी शो बनाने का मन कर रहा है जिसका नाम होगा भाभी जी मूड में हैं। और भाई तू बात सुन, भाभी जी को शोर, इधर आंटी जी भी मूड में हैं, ये देखो। ये तो ऐसे डांस कर रही थी जैसे नोबिता नए गैजेट मिलने पर डांस करता है। मेरी शादी के पवित्र दिन पे ऐसी गंजेटी बातें, कम वक्तों खाली करो, निकलो यहाँ से, चलो। हेलो डार्लिंग, ये बुड्ढा चाचा अपनी शादी की बात कर रहे हैं ना, पता नहीं सच है झूठ है पता नहीं क्या है, पर इसी बहाने हम तुम एक हो जाएं। मैं सुहागरात की तैयारी करके आती हूँ। अरे अरे क्या हुआ इसको? इसको मिर्गी आ गई, मेरा कच्छा सुंघाओ। अगर ओए चाचे, अरे मिर्गी पड़ती है तो कच्छा नहीं जूता सुंघाते हैं। हाँ जूता तो इंसानों को सुंघाते, तेरे जैसे मेंढक की शक्ल वालों को मेरा कच्छा ही सुंघाते। ठंड रख चाचे। भाई मेरी बात सुन, भाई मेरी बात बन गई है, चलो मान गई है। Yes. भाई ये तो वही बात हो गई, फेसबुक पर पहले अकाउंट खोला और पहली रिक्वेस्ट भाई टाइटैनिक की हीरोइन की। अगरत की तैयारी करने गई है सलू। बेटे पिचकारी के बंदूक के मुंह से शिकार की बात अच्छी नहीं लगती, सलो तेरी नहीं मेरे सुहागरात की तैयारी के लिए गई है। अच्छा क्या बोल रहे हो? और तुम क्या हंस रही हो? चली जाओ यहाँ से, बेइज्जती करवाना है खुद की। चुप कर माचिस की तीली। ए, तुम
जाओ ना यार, तुम्हारी लाइन होगी तो हम खुद ही बुला लेंगे। हाय दैया, आर्टिस्ट ना बिना टैलेंट दिखाए आता है ना जाता है। ओ लल्ला विकलपुर। चली गई, चला टली। हाँ तो मैं कहाँ था? सुहाग रात के बेड पे। जब देखो तब बेड पे पहुंच जाता डायरेक्ट। अरे भाई, आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे वाले की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। वो देख, हाँ तो यार तू कुछ सुहाग रात के बारे में बात कर रहा था। मैं सुहाग रात के बारे में ये बता रहा था कि सुहाग रात बैडमिंटन के खेल के जैसी होती है। दोनों तरफ से खेलो तो मजा आता है, वरना अकेला इंसान तो अंताक्षरी भी नहीं खेल सकता। बेटा, हाँ? स्टीव जॉब को एप्पल खाना मत सिखा। क्या हुआ? अरे 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 क्या हुआ, क्या हुआ चाचा को? लगता है जमराज की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई है। मोबाइल वाइब्रेटर मोड पे था। अरे रिंगटोन मोड पे रखा करो, नहीं तो खुद वाइब्रेट होके साइलेंट हो जाओगे। वो बंद करो, बात करने दो। हाँ अरे ले आ जल्दी। हाँ और सेज का सामान भी ले आई हो, मैं जल्दी आ जा बेटा। आ जा। सलू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म वाला सॉफ्टवेयर तो मैंने डाउनलोड ही नहीं किया। बिल्कुल सही कहा सल्लो। तू एक काम कर, तू जाके एक पलंग तोड़ पान लेके आ, आधा किलो सिलाजीत और 5-6 बोतल केसर का दूध की लेके आओ। जाओ। ओके चाचा। भाई तू कहाँ जा रहा है? अरे यार ये बुड्ढा तो सीरियस हो गया है। हाँ यार, ये पतझड़ के पेड़ पर फूल कहाँ से उगाए? हाँ। इसके पास तो सरकारी नौकरी भी नहीं है। दिमाग खराब है तेरा, ये सरकारी नौकरी का और इसका क्या लेना देना? पागल है, सरकारी नौकरी के बड़े फायदे होते हैं। अच्छा? ये देख। सरकारी नौकरी के फायदे समझने के लिए अपने बच्चों को ये फोटो अवश्य दिखाएं, 100% फर्क पड़ेगा। सही बात है यार, सरकारी नौकरी के बड़े फायदे हैं। देखा देखा, बोला था ना मैंने। अबे तुम दोनों वायरस हो, जा ही नहीं रहे, चलो निकलो यहाँ से। इस उम्र में टाइम टू टाइम चाय नहीं मिलती, तुमको वाइफ कहाँ से मिल गई? ऑनलाइन मंगवाई है। क्या? यार मुझे लग रहा है ना ये बुड्ढा फेंक रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ए, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? अभी दिखाता हूँ, अभी हो जाएगा फेस का फेस और बुक का बुक। दिखाओ चाची का फोटो। ये नहीं अगली वाली, ये भी नहीं अगली वाली, दिखाओ ये भी नहीं अगली, दिखाओ भाई। ये है तुम्हारी चाची, ये। अरे वो तो ठीक है, फोटो में तो यार कुछ भी हो सकता है। फोटो में तो अपना ये मिंटो भी ना रणबीर कपूर जैसा दिखता है, लेकिन है तो शक्ति कपूर। एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, एग्जांपल। हाँ तो कोई अच्छी एग्जांपल देना, जैसे ये। लगता है तुम्हें चाचा का चमत्कार दिखाना पड़ेगा। हाँ। इनकी चाची को लेके आया जा। चाची, चाची आ गई, चाची आ गई। दिग दिग चक, दिग 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 चक। आ गया है शो में नया वाला मेंबर, चाचा को लगा है जैकपॉट बम्पर। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे बवाल, मिंटू विकल्प का होगा बुरा हाल। जोरदार तालियां। ये रही चाची। अरे सच में ऑनलाइन चाची आई है? हाँ, अरे मौसी, मेरा मतलब कमो, तुम यार अपना टैलेंट दिखा कर ये पता करो ना इसके अंदर क्या है। ये क्या कर रही हो? चाची है, चिकन नहीं। अरे विकल्प, हमें कछु समझ में नहीं आ रहा। अरे समझना क्या है, चाचा के फेसबुक और बैंक अकाउंट की तरह ये भी खाली होगा। देख लेते हैं। अरे ये तो सच में ऑनलाइन चाची आ गई। चाचा का मोबाइल तो फुल चार्ज हो गया है, पर देखते हैं कि ये जो ऑनलाइन वाइफ मंगाई है इसकी बैटरी कितने दिनों तक फुल चार्ज रहती है। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की फनी कहानियां, किस्से, जोक्स, फोटोज और वीडियोग्राफ्स हैं तो आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए livecarecharge.oz.com पर और देखते रहिए सोशल मीडिया का बुखार, लाइव का रिचार्ज।